नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रघुनंदन। ऋग्वेद में देवी अदिति का जिक्र है। संस्कृत भाषा में अदिति का अर्थ है असीम। उन्हीं देवी अदिति के 12 पुत्रों को आदित्य कहा गया, जिनमें सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया। आसान भाषा में इस वैदिक कथा का मतलब यही है कि असीम विस्तार वाले ब्रह्मांड में सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में जीवन है, जिसका केंद्र बिंदु है सूर्य। ये बात अब वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि धरती पर जो कुछ भी होता है वो सूर्य की वजह से ही होता है। धरती का मौसम, यहाँ के पेड़ पौधे, जीवन, सब कुछ सूर्य की रोशनी और ऊर्जा पर निर्भर है। अब धरती पर जीवन देने की ताकत अगर सूरज में है तो विनाश की शक्ति भी तो हो सकती है। बीते 150 साल में सूरज से कुछ ऐसे संकेत मिले जिसमें धरती के विनाश की आहट थी। सूरज के उसी रहस्य को सुलझाने के लिए अमेरिका, यूरोप और जापान की स्पेस एजेंसीज ने सोलर मिशन शुरू किए। उसी स्पेशल स्पेस मिशन में अब भारत का नाम जुड़ गया है। धरती पर ऐसा क्या हुआ कि सूरज की निगरानी के लिए विशेष मिशन भेजने पड़े, इसी पर है हमारी यह स्पेशल टेली सीरीज विहंगम, एन एपिक क्वेस्ट, जिसके पहले एपिसोड में देखिए आदित्य द सोलर पायनियर। एक नवंबर 1952, एल्यूसलैब आइलैंड, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के छोटे से वीरान टापू के नजदीक कई दिन से डेरा डाले अमेरिकी नौसेना के जहाज पर उस दिन हलचल तेज थी। I'd like to show you something over here. युद्धपोत के कंट्रोल रूम से काउंटडाउन शुरू हो गया। ये उल्टी गिनती उस मिशन की थी जिसका कोड नेम था ऑपरेशन आईबी। जोरदार धमाका और आग का एक गोला आसमान में ऐसे चमका मानो सूरज उगाया हो। ये दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट था, जिसका आइडिया सूरज से ही मिला था। सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर, आकार में पृथ्वी से 109 गुना बड़ा, हमारे सोलर सिस्टम का वो केंद्र जहां हर सेकेंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन का फ्यूजन हीलियम गैस के साथ होता है। आसान भाषा में कहें तो हर सेकंड में 60 करोड़ हाइड्रोजन बम का विस्फोट सूरज पर होता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी से ही धरती पर जिंदगी चलती है। पेड़ पौधों को खुराक मिलती है। हर पल धधकते 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान वाले सूरज के बारे में ये जानकारी सबको पता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में धरती के लोगों को कुछ नहीं मालूम। और सूरज के उसी नामालूम रहस्य का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रवाना किया है सूर्य पर अपना पहला मिशन आदित्य L1। दो सितंबर 2023, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। 4, 3, 2, 1। आदित्य, ये इसरो के मिशन का नाम है, जिसमें L1 इसलिए जोड़ा गया ताकि दुनिया को ये पता रहे कि धरती और सूरज के बीच आदित्य की कक्षा कहां है। आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं करने जा रहा, ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज 1 पॉइंट पर जाकर वहीं से सूरज की सतह पर होने वाले हाइड्रोजन विस्फोट और उससे पैदा होने वाली हलचल पर नजर रखने वाला है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि धरती से सूरज की दूरी का सिर्फ 1% हिस्सा नापकर आदित्य L1 मिशन ऐसा क्या जान लेगा जिससे दुनिया बदल जाएगी। सूरज की सतह पर 5.5 अरब साल से सौर तूफान चल रहा है। उस तूफान से सौर लपटें निकल रही हैं, ये तो पहले से पता है, फिर आदित्य L1 जैसे मिशन की जरूरत क्या है। ये समझने के लिए आपको उस दौर में ले चलते हैं जब ना तो रॉकेट थे और ना ही अंतरिक्ष में कोई मिशन। 1-2 सितंबर 1859, अमेरिका और यूरोप महाद्वीप। अमेरिका से लेकर यूरोप के देशों के लोग 2 दिन से आसमान में हरी नीली रोशनी देख रहे थे, जिसे ऑरोरा यानी सूर्य का आभा मंडल कहा जाता है।
पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर ऐसी रोशनी सामान्य है, लेकिन सितंबर 1859 में जापान, चीन और कोलंबिया जैसे देशों में भी ऑरोरा नजर आ रहा था। एक और 2 सितंबर 1859 की रात बहुत हैरतअंगेज घटना हुई। अमेरिका और यूरोप की टेलीग्राफ लाइन में बड़े पैमाने पर शॉर्ट सर्किट हो गई। टेलीप्रिंटर पर काम कर रहे कुछ कर्मचारियों को बिजली के जोरदार झटके भी लगे। एहतियात के तौर पर टेलीग्राफ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बैटरी बंद करने का निर्देश दिया, तो एक नया अजूबा सामने आया। 2 सितंबर 1859 को अमेरिका के बॉस्टन शहर से छपने वाले अखबार बॉस्टन इवनिंग ट्रैवलर ने बॉस्टन और पोर्टलैंड शहरों के बीच काम कर रहे दो टेलीग्राफ ऑपरेटर्स की बातचीत छापी। पोर्टलैंड के ऑपरेटर का कहना था कि उसकी टेलीग्राफ लाइन की पावर सप्लाई बंद है, तो बॉस्टन के ऑपरेटर को उसका भेजा संदेश कैसे मिल रहा है। जवाब में बॉस्टन के टेलीग्राफ ऑपरेटर ने बताया कि उसका टेलीप्रिंटर ऑरोरा के करंट से चालू है और बैटरी के मुकाबले ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। टेलीग्राफ लाइन ठप होने से पूरी दुनिया हैरान थी। टेलीग्राफ लाइन में शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ? टेलीग्राफ ऑपरेटर्स को बिजली के झटके क्यों लगे? इसकी खोजबीन के बाद ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड क्रिस्टोफर कैरिंगटन ने बताया कि सूरज की सतह पर एक बड़ा सौर तूफान आया था, जिससे पैदा हुई सौर लपटें सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी से टकराईं और उन्हीं सौर लपटों की वजह से धरती का भूचुंबकीय क्षेत्र यानी जियोमैग्नेटिक फील्ड बदल गया। सितंबर 1859 में चीन और जापान तक दिखी हरी नीली रोशनी और उसके बाद दुनिया भर की टेलीग्राफ लाइनों में गड़बड़ी सूरज से आने वाली सौर लपटों का ही नतीजा थी। दुनिया को पहली बार ये मालूम हुआ कि सूरज पर उठने वाला सौर तूफान धरती को भी तबाह कर सकता है। सोलर फ्लेयर्स की ये घटना कैरिंगटन इवेंट के नाम से इतिहास में दर्ज है, जिसके बारे में लंदन की एक रिसर्च एजेंसी ने जून 2013 में बताया कि साल 1859 में सूरज पर उठे तूफान और धरती से टकराए सोलर फ्लेयर्स ने अकेले अमेरिका को 600 अरब डॉलर की चोट पहुंचाई थी, जो अमेरिका की जीडीपी का लगभग 16% था। साल 1859 में सोलर फ्लेयर्स से तबाही के बाद क्या सूरज का तूफान ठंडा पड़ गया? उसके बाद धरती पर सौर लपटों ने कैसे कैसे सितम ढाए, वो कहानी आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल बात 1859 की। टेलीग्राफ लाइनों को ठप करने वाले उस सौर तूफान के बाद से दुनिया हर पल इसी आशंका में घिरी रही कि क्या पता सूरज पर फिर कोई विनाशकारी तूफान उठे और सौर लपटें धरती पर तांडव मचाने लगे। इस आशंका से निपटने का एक ही तरीका था कि सूरज पर होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर रखी जाए। इसरो का आदित्य L1 मिशन इसी इरादे से सूरज के नजदीक जा रहा है। आदित्य L1 कोई उपग्रह नहीं है, बल्कि ये 7 विशेष उपकरणों का समूह है, जिसमें विजिबल इमिशन लाइन कोरोग्राफ नाम का उपकरण सूरज की सतह से निकलने वाली लपटों पर नजर रखेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से सूर्य के बाहरी हिस्से की हलचल नापी जाएगी। सोलेक्स और HEL-01X नाम के उपकरण सूर्य के प्लाज्मा का एक्सरे रिकॉर्ड करके इसरो के कंट्रोल रूम तक भेजेंगे। एस्पेक्स और पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य नाम के उपकरण सोलर विंड यानी सौर हवा का विश्लेषण करेंगे। मैग यानी मैग्नोमीटर से ये पता लगेगा कि धरती और सूरज के बीच L1 पॉइंट पर सौर मंडल के ग्रहों के बीच मैग्नेटिक फील्ड की हालत क्या है। भारत के सनातन दर्शन में सूर्य का नाम आदित्य भी है। पौराणिक मान्यता है कि सूर्य के रथ को 7 घोड़े चलाते हैं। 7 के नंबर के साथ सूरज का रिश्ता विज्ञान भी मानता है। ये तो साबित हो चुका है कि सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं। आदित्य L1 मिशन भी 7 पेलोड से लैस होकर ही सूरज की ओर रवाना हुआ है, जो अगले 5.25 साल तक धरती को सौर तूफान से आगाह करेगा और ये भी बताएगा कि आने वाले अनंत काल तक सूरज का मिजाज कैसा रहने वाला है।
इसरो का 16 मिशन आदित्य उस जगह से सूरज की निगरानी करेगा जहां धरती और सूरज की ग्रेविटी का बॉर्डर है। आदित्य L1 पर लगे ताकतवर कैमरे का रोल सबसे अहम होने वाला है। सूरज के बाहरी हिस्से यानी सन कोरोना पर होने वाली तूफानी हलचल की निगरानी क्यों जरूरी है, जब नासा ये बता ही चुका है कि सूरज पर लगातार हाइड्रोजन विस्फोट हो रहे हैं, तो आदित्य L1 की जानकारी से क्या बदल जाएगा? ये समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड सौर तूफान द कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी। छह जून 2008 अमेरिका कनाडा। सोलर फ्लेयर्स। अमेरिका और कनाडा में इन दो शब्दों ने अचानक कोहराम मचा दिया। एक युवा वैज्ञानिक ने सूरज से आ रहे सिग्नल देखकर अलर्ट जारी किया था कि सूरज पर उठे तूफान से भयानक सौर तरंगे धरती की ओर आ रही हैं, जो बिजली ग्रिड को पूरी तरह तबाह कर देंगी। सोलर फ्लेयर्स के बारे में सरकार को आगाह किया गया, लेकिन उससे पहले ही सौर तूफान ने धरती पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया। पुलिस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेंटेन देयर इज नो रीजन टू पैनिक एंड ओह माय गॉड व्हाट द हेल। सोलर फ्लेयर्स की वजह से धरती पर क्या कुछ हो सकता है, ये उसी कल्पना पर बनी हॉलीवुड की फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया था वो काल्पनिक नहीं था। सोलर फ्लेयर्स के विनाश का वास्तविक ट्रेलर अमेरिका और कनाडा के लोग फिल्म सोलर फ्लेयर्स के रिलीज होने से 31 साल पहले ही देख चुके थे। 13 मार्च 1989, क्यूबेक, कनाडा। समय आधी रात के बाद 2:44। कनाडा के क्यूबेक प्रांत के लोग गहरी नींद में थे कि अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। फैक्ट्रियां बंद, अखबार छापने वाली मशीनें जाम, पूरे इलाके में बिजली गुल। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी क्यूबेक हाइड्रो के टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स भी हैरान थे। राज्य के हाइड्रो पावर प्लांट में सब कुछ ठीक था, फिर भी पावर ग्रिड फेल हो चुका था। लगभग 9 घंटे की मशक्कत के बाद जैसे तैसे बिजली सप्लाई बहाल हुई और जांच में पता चला कि क्यूबेक पर ये कहर उन सोलर फ्लेयर्स की वजह से टूटा था, जिसकी झलक अमेरिका और कनाडा के लोगों को 3 दिन पहले ही ऑरोरा लाइट्स के रूप में दिख चुकी थी। नासा के मुताबिक मार्च 1989 में आई सौर तरंगे X15 कैटेगरी की थी, जिनकी वजह से धरती का जियोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हुआ और धरती में पैदा हुई अर्थिंग से पावर ग्रिड ट्रिप कर गया। सोलर फ्लेयर्स का ये कहर सिर्फ कनाडा के क्यूबेक तक सीमित नहीं था। अमेरिका में फ्लोरिडा से टेक्सास और न्यू इंग्लैंड राज्यों में ट्रांसफार्मर बैठते चले गए। यूरोप में कम्युनिकेशन सिस्टम का बैंड बज गया, जिसकी वजह से रेडियो का प्रसारण बंद हो गया। नामीबिया में संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशन में तैनात ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों के वायरलेस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, जिसे ठीक करने में हफ्ते भर का समय लगा। और ये तब था जब सूरज पर उठने वाले सौर तूफान और उससे निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स अमेरिका और यूरोप की स्पेस एजेंसीज की निगरानी में थे। 3, 2, 1, 0। सूरज और चांद तक नजर रखने के लिए नासा 1960 में ही पायनियर के नाम से मिशन भेज चुका था। पूरी तरह से सूरज पर होने वाली हलचलों को रिकॉर्ड करने के लिए नासा का सोलर मिशन हीलियस भी साल 1974 से काम कर रहा था। कनाडा में जिस वक्त सूरज ने अंधेरा फैलाया, तब नासा के वैज्ञानिक सोहो यानी सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी बनाने में जुटे थे। Thank you.
चार सौर तूफानों का चक्र चलता है जो 11 साल का होता है। एक सौर चक्र धीमा होता है तो दूसरा बहुत शक्तिशाली। इस वक्त 25वां सौर चक्र चल रहा है जिसमें सूरज पर उठने वाले तूफानों की रफ्तार वैसी ही है जैसी 11 साल पहले साल 2012 में थी। आप भूले तो नहीं होंगे कि पूरी दुनिया में ये अफवाह फैल गई थी कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने वाली है। कैसे उठी वो अफवाह और क्या था सूरज से उस अफवाह का रिश्ता, देखिए हमारा ये एपिसोड काल चक्र अनरेवलिंग द मिस्ट्री। साल 2001, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। साल बाद पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद सब कुछ खत्म। न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आकर बसे रॉबर्ट बेस्ट को अपनी इस भविष्यवाणी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसके लिए survive2012.com नाम की एक वेबसाइट बनाई जिसमें दावा किया गया कि 21 दिसंबर 2012 को सूरज की सतह से उठने वाले एक भयानक तूफान के बाद धरती खत्म हो जाएगी। I've put a fair amount of thought into the likelihoods of different scenarios happening. Global pandemic, nuclear war, a massive solar storm, super volcano. रॉबर्ट ब्रेस्ट ने दुनिया के अंत की जो तारीख बताई थी उसका जिक्र मध्य और दक्षिण अमेरिका की लगभग 8000 साल पुरानी माया सभ्यता के कैलेंडर पर आधारित थी। माया सभ्यता के लॉन्ग काउंट कैलेंडर में 5126 साल का बही खाता 21 दिसंबर 2012 की तारीख पर खत्म हो रहा था। इस कैलेंडर का विश्लेषण साल 1975 से ही शुरू हो गया था। 8 साल बाद 1983 में अमेरिका में माया सभ्यता के विशेषज्ञ रॉबर्ट जे शेरर ने उसी कैलेंडर के आधार पर दावा किया कि 21 दिसंबर 2012 को एक बड़े सौर तूफान से निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स धरती से टकराएंगे जिसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। मेलबर्न के रॉबर्ट ब्रेस्ट ने भी सोलर फ्लेयर्स की वजह से धरती के खत्म होने की भविष्यवाणी की जो इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में फैलती चली गई। साल 2011 आते आते दुनिया के हर कोने में बड़े बड़े न्यूज चैनल, अखबार और वेब पोर्टल्स में सबसे बड़ी खबर यही थी कि क्या 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने वाली है। 22 दिसंबर 2011, 4029 न्यूज, अरकानसास, अमेरिका। 1 जनवरी 2012, एबीसी न्यूज, न्यूयॉर्क, अमेरिका। 21 नवंबर 2012, एबीसी सीबीएन न्यूज, फिलीपींस। 16 दिसंबर 2012, अल अरबिया, सऊदी अरब। दुनिया के खत्म होने का खौफ इस कदर फैला कि लोगों ने बंकर में पनाह लेने की तैयारी शुरू कर दी। माया कैलेंडर के हवाले से जिस कयामत की आहट फैलाई गई उसमें अब सोलर फ्लेयर्स की केंद्रीय भूमिका थी। सोलर फ्लेयर्स के टकराने से धरती का जियोमैग्नेटिक फील्ड बदल सकता है, इस बात की पुष्टि वर्ष 1859 में ही हो चुकी थी। अब दुनिया भर के विश्लेषक कल्पना के घोड़े दौड़ाकर ये बताने में जुट गए कि दिसंबर 2012 में सोलर फ्लेयर्स की वजह से धरती का अंत कैसे होगा।
आम लोगों को बहुत दिमाग नहीं खपाना पड़ा क्योंकि हॉलीवुड के डायरेक्टर रोनाल्ड एमरिक 13 नवंबर 2009 को ही धरती के अंत की कल्पना पर बनी फिल्म 2012 रिलीज कर चुके थे। दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म नहीं होने वाली, ये बात दोहराते दोहराते नासा और दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थक चुके थे। लेकिन वैज्ञानिकों की बात पर बहुत से लोगों को भरोसा नहीं था क्योंकि सोलर फ्लेयर्स के धरती पर टकराने से जियोमैग्नेटिक फील्ड बदलता है, इस बात पर तो वैज्ञानिकों ने ही मोहर लगाई थी। जियोमैग्नेटिक फील्ड बदलने से क्या हो सकता है, इसका सबूत भी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ही दुनिया के सामने पेश किया था। लोगों को सोलर फ्लेयर्स का वही डरावना इतिहास याद आ रहा था। वियतनाम युद्ध में तैनात अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ने समंदर में माइंस बिछा रखी थी जो अचानक फटने लगी। महज 30 सेकंड में 4000 नेवल माइंस में विस्फोट से अमेरिकी नौसेना के भी होश उड़ गए क्योंकि किसी ने भी उन माइंस को ट्रिगर नहीं किया था। इस घटना से दो दिन पहले 2 अगस्त 1972 को नासा ने अपने सोलर मिशन के जरिए पता लगाया था कि सूरज पर एक बड़ा सौर तूफान उठा है जिससे धरती पर सोलर फ्लेयर्स की टक्कर हुई है। अमेरिकी नौसेना ने वियतनाम में माइंस फटने की वजह जानने के लिए जब नासा के वैज्ञानिकों से संपर्क किया तो जवाब मिला कि सोलर फ्लेयर्स की वजह से धरती का चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर ऐसा संभव है। That time we didn't have those words. We didn't really understand the concept of the sun actually throwing mass and magnetic material out. खैर, 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म नहीं हुई। जो लोग सोलर फ्लेयर से डरे हुए थे उनके दिमाग में अब नया भ्रम घुस गया कि सोलर फ्लेयर्स महज अफवाह है। कुछ लोगों ने बिना तथ्य जाने ये दलील भी देनी शुरू कर दी, सूरज पर तूफान तो हमेशा उठते रहते हैं, अगर उनसे धरती को खतरा है तो उसका शोर कभी कभार ही क्यों। इसका जवाब भी जान लीजिए। एस्ट्रोनॉमर्स ने हजारों साल के रिसर्च के बाद ये पता लगाया कि सूरज पर 11 साल का एक काल चक्र चलता है जिसे सोलर साइकिल कहा जाता है। एक चक्र में सूरज की सतह पर उठने वाले तूफान धीमे पड़ जाते हैं तो दूसरे चक्र में सौर तूफान की रफ्तार बहुत होती है। पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन से लेकर सोलर फ्लेयर्स का असर, सब कुछ सूर्य के इसी कालचक्र से तय होता है। हर 11वें वर्ष पर सूरज में एक रिदम, एक लयबद्धता है। हर 11 वर्ष पर सूरज बहुत सक्रिय हो जाता है, उस पर रेडियो एक्टिविटी बहुत तीव्र होती है। सारी पृथ्वी पर उस वर्ष सभी वृक्ष मोटा रिंग बनाते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को हड्डी रोग का कारक माना जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगों से यह साबित हो चुका है कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है जो हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। हालांकि सूरज की उन्हीं किरणों के साथ जब सौर तूफान से उठने वाली सोलर फ्लेयर्स आती हैं तो जीवन आफत में पड़ जाता है। एक तेज सोलर स्ट्रॉम का विनाशक असर, देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड कहर द सन फ्यूरी। एक फरवरी 2022, 325 ब्रॉडवे, बोल्डर, कोलोराडो, अमेरिका। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी अमेरिका के मौसम विभाग के स्पेस वेदर सेंटर के वैज्ञानिकों की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। नासा के सोलर मिशन सोहो का डायरेक्ट कनेक्शन स्पेस वेदर सेंटर के इसी कंट्रोल रूम से था। सोहो से जो लाइव डेटा आ रहा था उसको डिकोड करने पर मालूम हुआ कि सूरज पर एक बड़ा तूफान आया है जिससे निकली सौर लपटें 662 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 39,720 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से धरती की ओर आ रही है। स्पेस वेदर सेंटर ने
2 फरवरी 2022 के लिए G2 कैटेगरी की वार्निंग जारी की, जिसका मतलब था कि सोलर फ्लेयर्स ऊंचाई वाले इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर, स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान और रॉकेट और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमिशन पर बुरा असर डाल सकते हैं। स्पेस वेदर सेंटर का अनुमान था कि 3 फरवरी को सोलर फ्लेयर्स का असर बहुत कम हो जाएगा, इसलिए 3 फरवरी 2022 के लिए G1 कैटेगरी की चेतावनी जारी की गई। सोलर फ्लेयर्स के लिए G1 वार्निंग का मतलब था कि मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव की वजह से प्रवासी परिंदे रास्ता भटक सकते हैं, कमजोर पावर ग्रिड में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है और सैटेलाइट्स के ऑपरेशन में हल्की फुल्की परेशानी आ सकती है। तीन फरवरी 2022 कैनरी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका, समय दोपहर 1:13। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने सोलर फ्लेयर्स और अंतरिक्ष के मौसम का विश्लेषण करने के बाद स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत एक साथ 49 सैटेलाइट्स लॉन्च की। इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में धरती की ही सबसे निचली कक्षा में पहुंचाया जाना था। सैटेलाइट लॉन्च करते समय सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही स्पेसएक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से सैटेलाइट्स को अलग किया गया तो 49 में से 40 सैटेलाइट्स औंधे मुंह धरती की ओर लुढ़कते चले गए। खोजबीन करने पर मालूम हुआ कि स्पेसएक्स के सैटेलाइट्स को सोलर फ्लेयर्स ने तबाह कर दिया है। सैटेलाइट्स का ये हाल तब हुआ जब स्टारलिंक प्रोजेक्ट से जुड़े स्पेसएक्स कंपनी के वैज्ञानिकों को सोलर फ्लेयर्स के बारे में मालूम था। उनके पास अमेरिका के स्पेस वेदर सेंटर की रिपोर्ट भी थी। बहुत से लोगों को लगा कि सोलर फ्लेयर्स के बारे में स्पेस वेदर सेंटर का अंदाजा ही सही नहीं था। फिर सूर्य पर नजर रखने के लिए सोहो जैसे मिशन का क्या फायदा? जिन लोगों को ऐसा लगता है उनको एक सत्य कथा दिखाते हैं। 4 अगस्त 1972, अमेरिकी वायुसेना की इंटेलिजेंस विंग का मुख्यालय। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चरम पर था। परमाणु युद्ध की तलवार पूरी दुनिया के सिर पर लटकी हुई थी। सोवियत संघ के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने वला नाम की सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात की थी, जिसने 4 अगस्त 1972 को जमीन पर ऐसी हलचल रिकॉर्ड की मानो वियतनाम के इलाके में कोई परमाणु परीक्षण हुआ हो। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का वॉर रूम एक्टिवेट होने ही वाला था कि नासा के कंट्रोल रूम से एक मैसेज फ्लैश हुआ। नासा के डीप स्पेस मिशन के तहत भेजे गए पायनियर 10 से कंट्रोल रूम में जो सिग्नल आए थे उनसे साफ था कि सूरज की सतह पर एक बड़ा तूफान उठा है और उसी तूफान से निकली सौर लपटें यानी सोलर फ्लेयर्स ने धरती का जियोमैग्नेटिक फील्ड बदल दिया है। नासा की रिपोर्ट मिलने के बाद ये भ्रम दूर हुआ कि वेला सैटेलाइट ने जिसे परमाणु परीक्षण समझा था वो दरअसल सोलर फ्लेयर्स का कहर था। सोचिए, अगर नासा ने सही समय पर सही जानकारी नहीं दी होती और अमेरिकी वायुसेना ने सोलर फ्लेयर्स से पैदा हुई हलचल को परमाणु परीक्षण मान लिया होता तो क्या होता? सूरज की सतह पर लगातार पैदा होने वाले तूफान में सोलर फ्लेयर्स पैदा होती हैं, जो धरती पर अपनी ताकत का ट्रेलर कई बार दिखा चुकी हैं। सोलर फ्लेयर्स दरअसल करोड़ों वोल्ट बिजली के करंट जैसी होती है, जिसकी चपेट में आकर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बेकार हो जाते हैं। जो सोलर फ्लेयर्स धरती पर नहीं महसूस होते वो भी कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं, इसे समझने के लिए देखिए हमारा ये एपिसोड शून्य, द हिडन हैजर्ड्स। सात दिसंबर 2006, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका। नासा के अंतरिक्ष यात्री और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी STS-116 के कमांडर मार्क पोलंस्की, मिशन स्पेशलिस्ट सुनीता विलियम्स अपनी टीम के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उड़ान भरने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐन मौके पर स्पेस शटल डिस्कवरी की उड़ान टालनी पड़ी क्योंकि मौसम साफ नहीं था।
दो दिन पहले ही सूरज पर उठे तूफान से निकली भयंकर सौर लपटों का कहर अमेरिका देख चुका था। 3 दशक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर धरती से टकराया था, जिसकी तीव्रता स्पेस वेदर सेंटर ने 9x बताई थी। सौर लपटों को नापने के लिए जो पैमाने तय किए गए हैं, उनमें एक्स सबसे खतरनाक माना जाता है। It's the X-class flares that are the real juggernauts. 9 दिसंबर 2006 को STS-116 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ। सुनीता विलियम्स के साथ पूरा क्रू सही सलामत अंतरिक्ष में पहुंचकर अपने मिशन यानी स्पेस स्टेशन की मरम्मत में जुट गया। अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी STS-116 की टीम का इम्तिहान ले रही थी, लेकिन एक बड़ी अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। दिसंबर 2006, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में सोलर फ्लेयर्स के साथ साथ सोलर विंड्स यानी सूरज की सतह से उठने वाली आंधी का खतरा भी रहता है, इसलिए सभी अंतरिक्ष यात्रियों को आराम करने के लिए सुरक्षित कैबिन में जाने का निर्देश दिया गया था। सुनीता विलियम्स और उनके साथी नींद में थे, और उधर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सोलर फ्लेयर्स का बड़ा हमला हो गया। सोलर फ्लेयर्स दरअसल बिजली की तरंगों जैसा ही होता है, करोड़ों वोल्ट का करंट जो दिखता नहीं, लेकिन सेकंड के 100वें हिस्से में सब कुछ शून्य कर देता है। ISS से टकराए सोलर फ्लेयर्स ने भी वही किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड द स्पेस शटल डिस्कवरी गेट पम्पल्ड बाय पावरफुल सोलर फ्लेयर्स। नासा के मिशन कंट्रोल रूम ने बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संपर्क साधा, सोलर फ्लेयर्स से चौपट हुए सिस्टम को काम लायक बनाया गया, और अपना मिशन पूरा करके 14 दिन बाद 22 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स और उनके साथी धरती पर लौटा। STS का ये अभियान शायद सोलर फ्लेयर्स की भेंट चढ़ गया होता, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी नहीं हो पाती अगर नासा की सूरज पर नजर नहीं होती। पायनियर, विंड, सोहो और स्टीरिया जैसे सोलर मिशन की सबसे बड़ी अहमियत यही है कि वो समय रहते सौर तूफान और सौर लपटों की जानकारी दे देते हैं, जिससे अंतरिक्ष स्टेशन पर काम कर रहे एस्ट्रोनॉट्स और अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे सैटेलाइट्स को सोलर फ्लेयर्स के रास्ते से दूर रखना संभव होता है। सैटेलाइट्स को सोलर फ्लेयर्स से बचाए रखना ही आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया का ज्यादातर काम अब सैटेलाइट्स के सहारे ही चल रहा है। बैंकिंग से लेकर पावर ग्रिड तक, हवाई जहाज से लेकर पानी के जहाज तक, फोन से लेकर इंटरनेट तक, सब कुछ सैटेलाइट्स पर निर्भर है। और एक सैटेलाइट भी अगर सोलर फ्लेयर्स की बलि चढ़ा तो धरती पर बहुत कुछ शून्य हो जाएगा। बहुत से लोगों को ये बात मालूम है कि एक दिन सूरज का भी अंत होना है, उससे पहले सोलर सिस्टम यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी जैसे ग्रहों का अंत हो जाएगा। लेकिन अंत से पहले जिंदगी सुकून से बीते, इसके लिए जरूरी है कि सूरज की हलचल हमारी नजरों के सामने रहे। सौर तूफान के बारे में पहले से मालूम होगा तो उससे बचने का रास्ता ढूंढा जा सकेगा। सूरज की विश्व विनाशक शक्ति को समझने की राह कैसे खुली, देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड किरण, मिशन सेव अर्थ। पच्चीस अगस्त 1609, वेनिस, इटली। 45 साल के एक खगोल वैज्ञानिक ने उस दिन रोमन साम्राज्य के रसूखदार सिपह सालारों के सामने अपनी नई दूरबीन की नुमाइश की। ये दूरबीन किसी चीज को 9 गुना बड़ा दिखा सकती थी। सौर मंडल के उपग्रहों और सूरज तक को देखने वाली दूरबीन बनाने वाले खगोल शास्त्री का नाम था गैलीलियो गैलीली।
इसी दूरबीन से गैलीलियो ने देखा कि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के चार उपग्रह हैं, और इसी दूरबीन से देखकर गैलीलियो को इस बात का सबूत मिला कि सूरज किसी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी समेत सौर मंडल के बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। ये बात सबसे पहले पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने एक किताब में लिखी थी, लेकिन अपने जीते जी निकोलस कोपरनिकस उस किताब को छपवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि सूरज के स्थिर होने की थ्योरी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ थी। कोपरनिकस की थ्योरी को सही साबित करने के लिए गैलीलियो को इनाम नहीं बल्कि सजा मिली, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। सूरज और सौर मंडल के बारे में गैलीलियो की खोज ही अंतरिक्ष विज्ञान की बुनियाद बनी। सूरज पर सौर तूफान उठते हैं और कुछ धब्बे भी हैं, ये भी गैलीलियो ने ही दुनिया को बताया। नासा के सोलर मिशन से ये बात साबित हुई कि सूरज पर जो धब्बे यानी सन स्पॉट्स हैं, वहीं से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं जो धरती का चुंबकीय क्षेत्र बदल देती हैं। सूरज का रहस्य सुलझाने का जो रास्ता गैलीलियो ने दिखाया, अब उसी पर इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 आगे बढ़ने जा रहा है। ये मिशन सिर्फ सोलर फ्लेयर्स को समझने के लिए नहीं है, बल्कि सौर तूफानों से पैदा होने वाली रेडिएशन पर भी आदित्य L1 की नजर होगी। वो रेडिएशन जो धरती पर तो महसूस नहीं होता, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों और विमान उड़ाने वाले पायलट्स की जान का दुश्मन है। सूरज पर उठने वाले तूफान को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसी से पता चलेगा कि सूरज पर हाइड्रोजन बम के विस्फोट की रफ्तार कितनी है। फिलहाल इतना तो मालूम हो चुका है कि सूरज पर लगातार विस्फोट की वजह से हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में तब्दील हो रहा है। जिस दिन हाइड्रोजन खत्म, उस दिन सूरज का अंत। और उससे पहले बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी का भी अंत निश्चित है। हालांकि सूरज का अंत होने में अभी कम से कम 500 करोड़ साल बचे हैं, तब तक धरती पर सौर तूफान का क्या असर होगा, ये जानने की चुनौती लेकर भारत का आदित्य अपने मिशन पर निकल चुका है।